मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी के लिए हिंदी सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह विराम चिन्ह और उनके भेद पर आधारित है और यहाँ पर आपको वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश की एक श्रृंखला मिलेगी। 50 प्रश्नों की श्रृंखला आज आपको मिलने वाली है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं और यहाँ पर जो 20 विराम चिन्ह बताए गए हैं उसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो बुक है, ये बुक आदित्य पब्लिकेशन की है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आपको इसी बुक से पूरा नोट्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विराम चिन्हों के अगर भेद की बात करें तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के 20 भेद बताए हैं। कितने भेद हैं? 20 भेद बताया गया है विराम चिन्हों का। यहाँ पर 20 भेदों का नाम लिखा गया है और उसके बगल में आपको उसके चिन्ह दिखाई दिए हैं, राइट। तो यहाँ पर 20 भेदों के नाम हम पढ़ लेते हैं और चिन्ह आप देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, जिसको विस्मयाद बोधक चिन्ह भी कहते हैं, निर्देशन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह को संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, कोष्टक, जिसको अंग्रेजी में ब्रेकेट कहते हैं, अवतरण चिन्ह, उपविराम, जिसको अपूर्ण विराम कहते हैं, और इसके बाद विवरण चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप निर्देशन चिन्ह, पाद चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और समाप्ति सूचक चिन्ह। ये 20 विराम चिन्ह के भेद हैं। यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं जिसको जान लेना जरूरी है। विराम का अर्थ होता है ठहराव और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। अल्प विराम का चिन्ह देखिए यहाँ दिया गया, निशान दिया गया, अर्ध विराम का चिन्ह का निशान दिया गया है। और हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है, जिसको त्रुट विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो अल्प विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कह दें कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा था उसको उद्धरण चिन्ह में हम लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में नोटेड कामा कहते हैं। और संक्षिप्त या लाघव चिन्ह इस तरह से होते हैं, जैसे डॉक्टर लिख दिया जाता है, प्रोफेसर लिख दिया जाता है संक्षिप्त रूप में, जैसे डॉक्टर हम लोग लिख देते हैं, तो ये जो है इसको लाघव चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो हमें देखना है, विराम चिन्ह और वर्णमाला से संबंधित अध्यायवार जो प्रश्न कोश है, जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वो आपको यहाँ 50 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्नों को देखते हैं, यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है और बाद में प्रश्न को समझते भी हैं। जैसा कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताया गया था ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन सा, षष्ठी सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष कहते हैं। देखिए, अघोष और सघोष दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अघोष और सघोष। देखिए, अघोष में क्या होता है, जो वर्ग का, ध्यान से सुनिएगा, अघोष में प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, ध्यान से सुनते रहिएगा, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को अघोष व्यंजन कहा जाता है, ठीक। और सघोष क्या है? सघोष व्यंजन वे होते हैं प्रत्येक वर्ग का, जो वर्ग बनाया गया है उसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ये आपके सघोष हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, या, रा, ला और वा व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो निश्चित ही इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो फा आपका ओष्ठ ध्वनि है। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आता है उसे अकारांत कहते हैं। अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत, ये आपको
पूछा जा सकता है। तो जैसे राम, ठीक, जैसे मान लीजिए राम है, तो राम में अगर हम देखें तो माँ, माँ का उच्चारण में आ जरूर आता है, इसलिए इसको राम जो है वो अकारांत है। ठीक, अगर रामा लिख दें तो रामा हो जाएगा आकारांत। ठीक है, अगर जैसे लिखे नदी तो इकारांत हो गया। ठीक, इस तरह से उकारांत, जैसे भानु, ये आपका उकारांत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा स्वर नहीं है, तो बा आपका स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा घोष है, तो घोष कौन सा है, यहाँ पर दा, दा जो है वो घोष व्यंजन की श्रेणी में आएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, जिसको अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, कंठ ध्वनि कौन सा है, तो कंठ ध्वनि है का और खा, का और खा आपकी कंठ ध्वनि है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ जो होते हैं वो मूर्धन्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में अल्पप्राण कौन सा है, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पर अल्पप्राण व्यंजन जो है का और गा है। ठीक है, अच्छा अल्पप्राणिक व्यंजन की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो है अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक, और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यार अलावा, ये भी अल्पप्राण व्यंजन में रखे जाते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, निम्नलिखित नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, ख और ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष अघोष ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप घोष अघोष को देखते रहिएगा। इसके विषय में एक ट्रिक हम आपको बना के वीडियो डाल देंगे, आप उस वहाँ से घोष अघोष बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर घोष है माँ। अगला है प्रश्न नंबर 16 में, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो व्यंजन नहीं है तो छोटा ऊ जो है उस स्वर है, व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है, तो बताना है आपको कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है, तो पाफा बाभा मा ये आपके ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ता यहाँ पर ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, आपको पहले वीडियो में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नासिक व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर नासिक व्यंजन जो है वर्ग का जो पाँचवा व्यंजन होता है। ठीक है, वर्ग का अंगा इया अड़ा ना और मा, ये आपके नासिक व्यंजन है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा इया। अगला देखते हैं, ए और ए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रश्न ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो कंठ ताल्य कहते हैं, ए और ए को कंठ ताल्य व्यंजन कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान श्री को नहीं दिया जाता है, लिरी क्री और डा को मानक वर्ण में स्थान दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शब्दों में से शब्द के द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन क्या है, तो यहाँ पर द्वित व्यंजन यहाँ पर दिल्ली होगा, देखिए ला को दो बार लिखा गया है। ठीक है, द्वित व्यंजन है यहाँ पर। अगला देखते हैं, सा षष्ठी, सा छोटा सा और हा आपके कौन से व्यंजन कहलाएंगे, तो यहाँ पर ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, सा षष्ठी सा छोटा सा और हा। राइट, छत ध्वनि, छत प्रज्ञा वाला जो का और षष्ठी सा से मिलकर बनता है छत, तो छत ध्वनि क्या है, संयुक्त वर्ण है, का और षष्ठी सा से मिलकर छत्र बनता है। अगला देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छत का कर्म किस वर्ण के बाद आता है, तो निश्चित ही का वर्ण के बाद आएगा क्योंकि का और षष्ठी सा मिलकर छत बनता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है, तो कल बताया गया था, कल वाले क्लास में, जा और इया वर्णों का जो संयोग होता है तो ज्ञा बनता है। अगला है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, देखिए अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ही कहीं जरूर लिख लीजिए और इसको बार बार एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे इसका एक ट्रिक हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो निश्चित ही छोटा सा आपका अघोष वर्ण है। राइट, चलिए आगे देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा, कंठ का खा गा घा अंगा, तो का वर्ग में जितने भी आते हैं का खा घा गा अंगा ये आपके कंठ वर्ण है। राइट,
तो निश्चित ही कंठ वर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर ज्ञा होगा, जा और प्लस इया से मिलकर ज्ञा बनता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत व्यंजन यहाँ टा नहीं है क्योंकि मूर्धा व्यंजन है, ता था दादा, ता वर्ग जो है आपके ओ दंत व्यंजन होते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं, अगला है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण यहाँ देखिए, ये जो भक्त वाला लिखा गया ये अमानक वर्ण है, बाकी ये आपके मानक वर्ण हैं। आगे चलते हैं, छत का निर्माण कैसे होता है? तो का और षष्ठी सा के योग से मिलकर छत बनता है, यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, निश्चित ही याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर यहाँ पर नहीं है जा, बाकी आपके आ ऊ और ए आपके स्वर हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग, राइट, टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग में कौन से आते हैं? टा ठा ड ढा अड़ा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो घा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 होती है, 33 आपका यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्रस्वर पश्च स्वर के विषय में कल वाले वीडियो में आपको बताया गया था, तो यहाँ पर आपको पश्च स्वर कौन से हैं? तो यहाँ पर पश्च स्वर जो हो है वो बड़ा आ है, राइट, और आपको बताया गया था पश्च स्वर में बड़ा उ ओ औ, ओ और औ, ये सब आपके पश्च स्वर में रखा जाता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसा माना जाता है? तो खड़ी पाई को हटा दिया जाएगा तो उसको संयुक्त रूप में बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द क्या है? निष्प्रिय, आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? तो स्वर कौन सा है? आए आपका स्वर है, बाकी आपके व्यंजन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ या अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा या। अगला है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थल जो है वो कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ आपका ओ का उच्चारण स्थल। तो ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थल यहाँ पर कंठ ओष्ठ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, चा और छा का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर तालु है, चा और छा तालु व्यंजन कहलाएंगे। आगे है, क ग फ और ज ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, यहाँ पर नुक्ता जो लगा है अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। आगे यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में तालव व्यंजन कौन से हैं, तो निश्चित ही ऑप्शन बी सही हो जाएगा, च छ ज झ, यहाँ आपके तालव व्यंजन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वर्ड घोष नहीं है? देखिए, घोष और अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा घोष नहीं है, तो यहाँ सही होगा ता, ता आपका घोष नहीं है, यह घोष है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, किस शब्दों में रि स्वर नहीं है? तो रि स्वर कौन सा नहीं? तो देखिए, यहाँ पर कृपा में रि लगा है, दृष्टि में रि लगा है और कृष्ण में भी रि लगा है, तो यहाँ सही होगा आज। चलिए आगे देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सही होगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा, कंठोष्ठ, ठीक। अगला है, हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो दोस्तों, ये 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं, कल के क्लास में फिर मिलते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ, ऐसे प्रश्नों के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।